हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। फेस्टिवल का तो किसे इंतज़ार नहीं रहता है, मैं तो बस यही वेट करती रहती हूँ। चारों तरफ रौनक रहती है, अच्छे से तैयार होना होता है, मेहंदी लगानी होती है, खूब सारा मेकअप लगाना होता है, मेहमानों का आना होता है, उसके अलावा मिठाई और नमकीन, फुल ऑन मस्ती, बेस्ट मोमेंट्स होते हैं ये। तो मैंने भी कल रात को मेहंदी लगा ली थी और फिलहाल फटाफट तैयार हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। सुबह शीर खुरमा की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी कल के व्लॉग के अंदर, तो बस अब ये बाकी का बचा हुआ दिन है जिसके अंदर मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ। मुझे आई मेकअप सबसे ज़्यादा पसंद है, हालांकि आई एम नॉट अ ब्यूटी प्रोफेशनल, बस कुछ फ्रेंड्स हैं आप ही की तरह, उन्होंने ही सिखाया है थोड़ा बहुत। तो आई फील कि आईब्रोज जो होते हैं वो भी आई मेकअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, तो उन्हें भी प्रॉपर डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि आईब्रोज के बीच में काफ़ी सारे ऐसे पार्ट होते हैं, स्पेसेस होते हैं जो कि कवर नहीं होते हैं, तो उन्हें प्रॉपरली एक लाइन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, उसके बाद में हल्का से ब्रश से उसको स्मज कर देती हूँ। ब्राउन जनरली लोग यूज़ करते हैं आईब्रो पेंसिल, बट आई डोंट प्रेफर दैट बिकॉज वो थोड़ी सी ड्रामेटिक लगती है, क्योंकि ब्राउन डजंट सूट टू आवर स्किन, आई थिंक एज पर मी, हमें सूट नहीं करता वो। अब बस मैं आउटर लाइन के अंदर काजल लगा चुकी हूँ और उसके बाद इनर वाटर लाइन जो है मैं वो फिल कर रही हूँ। मुझे डार्क काजल बहुत ज़्यादा पसंद है, और हाँ, ये आँखें देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको इस तरह से काजल लगाना है थोड़ी सी आँखें फैलानी पड़ती है। तो बस अब आई शेडो लगा रही हूँ, मैंने मेरे पैलेट में से हल्का सा ब्राउन विद गोल्डन टच जो है वो चूज़ किया है, और इसी आई शेडो को मैं हल्का सा नीचे भी लगाऊंगी, जिससे क्या है कि आंखें थोड़ी सी गहरी लगती है, बिकॉज मेरी आंखें थोड़ी छोटी है, तो मुझे इसको दोनों तरफ से लगाना प्रॉपरली अच्छा लगता है, जिससे थोड़ी सी मेरी आंखें बड़ी दिखती हैं। तो अब मैं लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ फिलहाल, मेरे पास में लाइनर्स एंड काजल का इतना भंडार है, कभी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अलग अलग कंपनीज़ की मेरे पास में इसका कलेक्शन है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अगर मेकअप में कोई कहे ना तो आईज़ को बेटर करना, आईज़ को डिफ़ाइन करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल इसको मेकअप को हम कंप्लीट कर लेते हैं। लिपस्टिक तो मैं न्यूड करने वाली हूँ, थोड़े से डार्क सर्कल्स जो होते हैं वो आईज़ के अराउंड हर किसी के होते हैं, तो उसे प्रॉपरली कंसील आउट करना ज़रूरी है, तो मैंने शुरुआत में तो उसी को बेस किया था। उसके अलावा मैंने प्राइमर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि इस गर्मी के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो बस लाइट सा एक मेकअप कर रही हूँ। हाँ, आईज़ को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिफाइन किया है इसके अंदर, मैं फ्यूचर में आपके साथ में अलग अलग तरह से आई मेकअप करने के जो तरीके हैं, मेरे को 5 से 7 तरीके आते हैं, वो ज़रूर कभी शेयर करूँगी अगर आपको ऐसा पसंद आया तो। तो फिलहाल मस्कारा लगा रही हूँ। वैसे आई एम नॉट अ मस्कारा काइंड ऑफ गर्ल, मुझे मस्कारा नहीं पसंद, क्योंकि जब होता है ना कि आप मेकअप लगा लो वो आसान है, लेकिन उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑल्दो अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे मेकअप रिमूवर्स मिलते हैं, बट आई फील कि घर का जो घी होता है दैट्स द परफेक्ट थिंग टू रिमूव योर मेकअप, उससे थोड़ा नरिशमेंट भी मिलता है, और अगर स्किन में किस तरह की एलर्जीज वगैरह कुछ हो रही हैं तो वो भी मैनेज हो जाती है। तो नाउ आई एम टोटली रेडी, और ये मेरा ड्रेस है आज के दिन का। लिपस्टिक मैंने न्यूड लगा रखी है, सो सिंपल सा मेकअप है, थोड़ा सा आईज को मैंने डिफाइन किया है, और ये मेरा पूरा लुक है आज के दिन का। कैसी लग रही हूँ मैं बताना जरूर मुझे कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग, मैं बनाती हूँ मेरी ईद, और आप करिए अपना दिन एंजॉय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय।